हेलो डियर फ्रेंड्स, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल लक्ष सरकारी नौकरी में। जी हाँ दोस्तों, चैनल पे नए तो सब्सक्राइब कर ले, ऐसे ही लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए देश दुनिया और शिक्षा जगत की तमाम खबरों के साथ बने रहें, जुड़े रहें। जो भी सारी स्टडी मटेरियल है, लेटेस्ट रिक्वायरमेंट रिजल्ट सारे प्रोवाइड किए जाते हैं विथ 100% सेटिस्फेक्शन के साथ, और जो भी ट्रूथफुलनेस न्यूज होती है वहीं आपको दिखाई जाती है, कोई भी रंगली न्यूज। ए लॉट ऑफ स्टूडेंट जो है बेनिफिट जो है इस चैनल के माध्यम से उठाए हैं, अपनी जॉब कर रहे हैं, आप भी आने वाले दिनों में जो है जॉब को सुनिश्चित करेंगे, उस जगह पे होंगे जिस उद्देश्य से जुड़े हैं। तो अधिक से अधिक इस वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। इससे क्या होता है, हम मोटिवेट होते हैं। क्या होता है, बहुत सारे कैंडिडेट ऐसे ऐसे जो कमेंट करते हैं जो कि डीमोटिवेट करता है, जिसके कारण जो है आपको सूचनाएं नहीं मिल पाती हैं। कारण कि जब आप किसी को डीमोटिवेट करते हैं तो वह भी आपके प्रति उतनी जो है नहीं रहता, लेकिन आप जो ही किसी के प्रति उसे मोटिवेट करते हैं, ऐसा नहीं जो भी वर्क किया जाता है तो इसके लिए कुछ किसी को बेनिफिट, ऐसा कुछ नहीं। ये सिर्फ आप लोगों का प्यार है, स्नेह है, जिससे कि आपको सही सूचनाएं दी जाती है, जिससे कि आप लवाहें तो, और उसका कोई उद्देश्य नहीं। लेकिन कभी कभी ऐसे चीज़ें लॉट ऑफ स्टूडेंट होते हैं जिनके द्वारा ऐसी ऐसी बातें कही जाती हैं, जिससे ना चाहते हुए भी ऐसी ऐसी बातें आती हैं। लेकिन उन सभी को दरकिनार करते हुए आपके लिए फिर से जो इस अपडेट होती है अपडेट दी जाती है, फिर भी आप ऐसी ऐसी बातें करते हैं तो वो जो है अच्छी नहीं लगती। इसलिए आप अगर नहीं कर सकते हैं तो नहीं कीजिए, लेकिन किसी के लिए जो है मोटिवेट या जो भी है उस हिसाब से कीजिए। और जो भी आप जानना चाहते हैं कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हैं। ए लॉट ऑफ क्यूरी को सॉल्व किया जाता है विथ प्रूफ के साथ 100%। तो आइए देखते हैं क्या अपडेट बनी हुई है इन दिनों, चाहे वो कार्पलक सहायक से हो, विल्टन डाटा इंटीग्रेटर से हो, नियोजित अनियोजित, ए लॉट ऑफ जो है सल्यूशन। सबसे पहले बात करें तो न्यूज निकल के आ रही है, ये थानों में जो कार्पलक सहायक नियुक्त हुए हैं, देख सकते हैं लेटेस्ट 3 अगस्त 2020 को है बेगूसराय से, जिसमें यह बातें कही गई है कि जो भी CCTNS के IT कर लेके कार्यपालक सहायकों की प्रतिनियुक्ति एवं उनके मानदेय के संबंध में, इसमें यह बातें कही गई है कि कार्यपालक सहायकों की सेवा बेल्टान के माध्यम से उपलब्ध कराने हेतु आदेश निर्गत है। मतलब इन फ्यूचर जो भी नियुक्ति होगी वो बेल्टान के माध्यम से होगी, पूर्व वाली जो बातें हैं वही सारी है। लेकिन इसमें कुछ स्पष्ट है कि दिनांक 2 मार्च 2020 द्वारा भी आपको निर्देशित किया गया है, अतः कार्यपालक सहायक जो 31 मार्च 2020 तक योगदान कर चुके हैं, मतलब जो 31 मार्च 2020 तक जिनकी ज्वाइनिंग हो चुकी है उन्हें रखा जाएगा। लेकिन नया कोई भी कार्यपालक सहायक की अब जो है प्रतिनियुक्ति नहीं की जाएगी, मतलब अब जो थानों में नियुक्ति होगी वो वेल्ट्रान के स्टूडेंट को होगी, जो कि 7311 जिनकी प्रक्रियाएं चल रही हैं, DB के लिए भी सारी प्रक्रियाएं चालू कर दी गई है और जल्द ही उनकी ज्वाइनिंग लेटर विभिन्न डिपार्टमेंट में दी जाएगी। तो ये तो रही कार्यपालक सहायक की। अब देख सकते हैं ये कुछ न्यूज निकल के आ रही है, 5 अगस्त लेटेस्ट है 5 अगस्त 2020 की। तो ये जो प्रतिनियुक्त हैं जो राजस्थान भूमि सुधार विभाग में डाटा एंट्री ऑपरेटर में, तो इनकी क्या हुई है कि ट्रांसफरिंग हुई है। 6 कैंडिडेट
प्रो में भी जो अपडेट आई थी आपको दी गई थी, विभिन्न सारे कैंडिडेट का जो ट्रांसफ़र किया गया, और इस समय भी देख सकते हैं अभिनंदन कुमार का पूरी चंपारण मोतिहारी में थे तो पश्चिम चंपारण बेतिया में, इसी तरह रवि कुमार गोस्वामी भागलपुर से बांका में भेज दिया गया है, खगड़िया से जहानाबाद, शशि भूषण कुमार से, कुंदन कुमार का सहरसा से शिवहर, मनीष कुमार मांझी का सिवान सीतामढ़ी, मधेपुरा से अरवल, इस तरह मतलब डाटा एंट्री ऑपरेटर का फला डिस्ट्रिक्ट से फला मतलब वन डिस्ट्रिक्ट से अनदर डिस्ट्रिक्ट में ट्रांसफरिंग कर दिया गया है। और उनकी जो भी नेक्स्ट अगस्त माह के जो वेतन होंगे वह जहाँ पे इनकी ज्वाइन मतलब नियुक्ति हुई है जिस नए डिपार्टमेंट वहाँ से इनकी सैलरी बनेगी। ये तो दो लेटेस्ट अपडेट रहे हैं, चाहे वो आपके करपलक सहायक से हो और बेल्टान डाटा एंट्री ऑपरेटर। अब जो अनियोजित हैं करपलक सहायक वो क्या कर रहे हैं तो आप चलिए उनके भी कुछ देखिए अपडेट। तो जी हाँ, देख सकते हैं, ये देख सकते हैं, ये करपालक सहायक जो अनियोजित हैं उनके द्वारा ये न्यूज आ रही है कि मुजफ्फरपुर जिला के करपालक अनियोजित जो है 7 अगस्त 2020 को 9:30 बजे शुक्रवार को मुजफ्फरपुर समारोह आने का कष्ट करें, सभी लोग मास्क जरूर लगा कर आए। इसके साथ ही जो देख सकते हैं ग्रुप के सभी भाइयों से आग्रह है कि कल शुक्रवार को मोतिहारी के गांधी मैदान में 11 बजे DM से मिलकर नियोजन की मांग किया जाएगा। यदि इस महीना में कुछ नहीं होगा तो अगले महीना में आचार संहिता लागू होने के बाद हम लोग चाह कर भी कुछ नहीं कर सकते हैं। मतलब जो भी अनियोजित कार्यपालक सहायक हैं वह जो है कर रहे हैं अपनी मांगों को लेकर। तो इस तरह आपने देखा जो अनियोजित कार्यपालक सहायक हैं वह अपनी मांगों को लेकर विभिन्न डिस्ट्रिक्ट से 38 डिस्ट्रिक्ट में जहाँ पे भी ज्वाइनिंग नहीं हुई है इस तरह प्रक्रियाएँ कर रहे हैं। आप भी जिन जिलों में हैं वहाँ पे अपनी इन प्रक्रियाओं को करें, मीटिंग रखें, एकजुटता बनाए रखें, क्योंकि एकता में ही बल है, और इस प्रकार अपने तमाम प्रोसेस को करें ऑनलाइन ऑफलाइन विथ ऑफिस, मास्क का उपयोग करें, सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल करें और इस तरह अपनी मांगों को रखें, आने वाले दिनों में आपके लिए बेनिफिट होगा। इधर जो डाटा एंट्री ऑपरेटर बेल्टान द्वारा हैं उनकी भी प्रक्रियाओं में तेज़ी लाई जा रही है और अगस्त एंड ऑफ दिस मंथ में भी कुछ उनकी और प्रक्रियाओं में तेज़ी लाई जाएगी। अभी जो इनकी KYC हो रही और उसके बाद विभिन्न डिस्ट्रिक्ट में जो लिस्ट कैंडिडेट के द्वारा जो सेंड किया जाएगा ज्वाइनिंग को लेकर, उस डिस्ट्रिक्ट से सभी डिस्ट्रिक्ट से DM जो है अपने अपने स्तर से देखेंगे किस डिपार्टमेंट में कहाँ कितनी सीटें खाली हैं, कहाँ ज़रूरत है, तो वह वेल्टान से अधियाचना करेंगे DM फला डिस्ट्रिक्ट के जो भी 38 डिस्ट्रिक्ट के, और वेल्टान जो है जो आप KYC किए हैं उससे उस 38 डिस्ट्रिक्ट में जहाँ जहाँ रिक्त सीटें हैं जिसमें DM अधियाचना किए हैं उन सीटों में जो है जो वेल्टान कैंडिडेट KYC किए हैं उनकी फला जो है डिपार्टमेंट में ज्वाइनिंग लेटर दी जाएगी और वहाँ से वे अपने जो है ज्वाइनिंग करेंगे। इसके बाद वहाँ पे जो प्रक्रियाएं होंगी आपकी सारे जो भी आपने अपलोड की है DV वगैरह सारे आप वहाँ पे जमा करेंगे और जो है आपकी ज्वाइनिंग होगी और फर्स्ट सैलरी तब तक नहीं दी जाएगी जब तक आपकी DV डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन नहीं हो जाती। जब आपकी वेरिफिकेशन हो जाएगी उसके बाद वहाँ से आपकी सैलरी स्टार्ट हो जाएगी। इन सारी प्रक्रियाओं में बहुत ही तेज़ी लाई जा रही है क्योंकि आगामी चुनाव को भी लेकर आपकी ज्वाइनिंग बहुत जल्द होगी। सूत्रों के हवाले से खबर आ रही है कि एंड ऑफ दिस मंथ कुछ आपके प्रोसेस बन सकते हैं और अप्रॉक्स कुछ ज्वाइनिंग ज़रूर हो जाएंगे, अप्रॉक्स 2 से 3 हज़ार के बीच में, जिसमें
और नेक्स्ट प्रक्रिया इसी तरह होते रहेंगी और सभी डिपार्टमेंट में और आने वाले दिनों में सभी ज्वाइनिंग होगी। इसके साथ ही जो अनियोजित कार्यपालक हैं वो भी अपनी मांगों को कर रहे हैं। अब रहे जो फेल कैंडिडेट हैं, चाहे वेल्टान से हो और चाहे इक्विटी से हो, किसी भी से हो, आप अपने जो भी स्टडी है उसको मेंटेन रखें। दिन बुरे हैं तो अच्छे भी आएंगे। परिस्थितियाँ लाख विषम हों या कठिन हो, कट ही जाता है, तो आप अपनी प्रक्रिया जारी रखें और निश्चित ही या आपके लिए नहीं, जिस तरह आप पर यह स्थिति है, हर किसी अलॉट ऑफ स्टूडेंट होल पर वही स्थिति है और सभी के लिए इस समय जो है अनुकूल नहीं है, प्रतिकूल है। मतलब आप COVID-19 के चलते देख सकते हैं और इधर फ्लड बहुत सारे, जिससे कि रोज़गार और जनजीवन प्रभावित हुआ है, तो देख ही सकते हैं। तो आप अपनी रोज़मर्रा की जो भी कार्य कर रहे हैं, अपने जो कि हर किसी को करना चाहिए जीवन यापन के लिए, तो वो अपने कार्यों पर ध्यान दे और इसके साथ ही अपने स्टडी को भी उसी में मेंटेन रखें। निश्चित ही इस आपके लिए भी सकारात्मक परिणाम आएंगे, लेकिन आपके लिए डिले होगा, ये 100% बात है, डिले होगा, इसमें कोई दो राय नहीं। एंड ऑफ दिस ईयर हो सकता है या नेक्स्ट ईयर, क्योंकि इधर कोई सुनवाई होने वाला नहीं है। अब जो है 100% आपको नेक्स्ट ईयर या एंड ऑफ दिस ईयर में ही चांस है, इधर कोई चांस नहीं है। तो आप अपने कार्यों को करें, उन कार्यों में जिससे कि आपके जीवन यापन चल रहे हैं, और उनमें रुचि अभी लें, क्योंकि आप सारे देख ही रहे हैं प्रभावित हुआ है, तो उन कार्यों को करना चाहिए जो कि ज़रूरी है इस समय, उन पर रुचि लेनी चाहिए, न कि इन फ्यूचर प्रेजेंट में जो है उसको ध्यान देना चाहिए। इसके साथ ही ए लॉट ऑफ कैंडिडेट जो है अपनी अपनी प्रतिक्रियाएं देते हैं अपने स्तर से। जहाँ तक बात है प्रतिक्रियाएं जो भी दें, स्पष्ट दें, क्लियर दें और जो आप जानना चाहते हैं, जिस डिस्ट्रिक्ट से हैं, जो भी है प्रॉब्लम, कमेंट के माध्यम से वे ही चेक 100% सेटिस्फेक्शन के साथ आपके सारे समस्याओं का समाधान देने की कोशिश की जाएगी। लक्ष्य सरकारी नौकरी वाई संतोष सर के द्वारा। इसके साथ ही मन में कोई क्यूरी हो जरूर बताएं। आप सभी का तहे दिल से आभार प्रणाम कि आप जुड़े हुए हैं, अपनी प्रतिक्रियाओं को देते हैं। इससे क्या होता है, आप अपने प्रतिक्रियाओं को दें, कमेंट करें, लाइक करें, अधिक से अधिक शेयर करें, जिससे कि हम ये मोटिवेट हो और आपके लिए जो भी अपडेट हो सभी। ऐसा नहीं है कि आपको कोई भी रॉन्गली इन्फॉर्मेशन दी जाता है, जब न्यूज आती है या जो भी अपडेट होती है तभी दी जाती है कोई भी रॉन्गली इन्फॉर्मेशन। ए लॉट ऑफ स्टूडेंट, चाहे आप किसी भी गवर्नमेंट जॉब की प्रिपरेशन कर रहे हों, अपडेट रहना ज़रूरी है, तो सारी अपडेट दी जाती है, रिक्वायरमेंट से, रिजल्ट से, स्टडी मटेरियल, हर चीज़ जो जानना चाहते हैं जब आती है तभी, ऐसा नहीं कोई भी रॉन्ग। तो आप जुड़े रहें, बने रहें, अधिक से अधिक शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बने रहें, जुड़े रहें। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं नए वीडियो में नए अपडेट, तब तक के लिए गुड बाय, हैव नाइस डे और थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।